morning everyone, how are you all? Fine, yes, very good. Now again power ma'am coming for Hindi teaching. Ma'am आपको हिंदी पढ़ाने अभी आ गए और आप लोग बहुत अच्छे से पढ़ रहे हो. मैम को आपका वर्क भी सेंड कर रहे हो. आपने जो ये CWHW कर लिया है, राइम्स आ रहे हैं मैम के पास, राइम्स के वीडियो तो बहुत बहुत अच्छे उत्तर वैसे ही पढ़ते रहो. ओके, थैंक यू. आपके मम्मी पापा को भी और आपको भी, आप बहुत अच्छे से पढ़ रहे हैं. मैम जो भी वर्क दे रहे हैं आप बहुत अच्छे से करके मैम को सेंड कर रहे हो, इसलिए सभी को थैंक यू थैंक यू थैंक यू. तो चलो अभी आज भी आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है और हर सब्जेक्ट पे आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है. आपकी स्टडी जारी रहनी चाहिए ना. यस, वेरी गुड. तो आज आप पढ़ोगे री ऋषि का. आज हिंदी में आप क्या पढ़ोगे? री ऋषि का अक्षर पढ़ोगे. इसके पहले आपने अह से अह तक पढ़ा है, उसमें री ऋषि भी आता है. तो री ऋषि आपको मैम अभी करवा रहे हैं. वो थोड़ा टफ है आपको राइटिंग वर्क के लिए, तो इसलिए उसे आपने लास्ट में ले लिया, पर उसको अपन अभी लिखकर उसके फिर अह से अह में वो ऐड होगा. तो चलो अभी स्टार्ट करें स्टडी. अपनी पेंसिल, नोटबुक, इरेजर, शॉर्पनर आपको लेके ही बैठना है, पर शॉर्पनर और इरेजर का यूज ज़्यादा नहीं करना है आपको. और पेंसिल तो पहले से ही शॉर्प करके अपने पास रख लेना है कि राइटिंग आपकी अच्छी आए. जब भी आप राइटिंग वर्क स्टार्ट करते हो उसके पहले अपनी पेंसिल शॉर्पन करके अपने पास रख लें, यानी आप पेंसिल अच्छी शॉर्प रहेगी तो राइटिंग अच्छी आएगी. तो चलो तैयार हो सभी? वेरी गुड. और सबको कैसे प्रॉपर अच्छे से टेबल या नीचे बैठ के ही आपको करना है. आसन लगा के बैठो या फिर आप टेबल चेयर पे अच्छे से प्रॉपर बैठ के ही राइटिंग वर्क करना है. तो चलो अभी बिफोर स्टडी व्हाट वी डू, प्रेयर, ओम का उच्चारण करते हैं ना. तो चलो सभी स्टैंड अप हो जाइए और ओम का उच्चारण स्टार्ट. पहले तो जॉइन योर हैंड, क्लोज योर आईज. नाउ ओम उच्चारण स्टार्ट. बैठ जाइए अच्छे से प्रॉपर. और पहले तो अपन आपने कौन से अक्षर पढ़ लिए हैं? अ आ ई. देखो रिवाइज करते, पहले तो आप लोगों ने कौन से अक्षर पढ़ लिए? अ. और अनार का नहीं बोलना है, केवल अ बोलोगे, क्योंकि अभी आपको आगे अब रीडिंग भी करना है. आपको रीडिंग भी आना चाहिए ना. फिर आप क्या पढ़ोगे? अनार का, इमली का, ऐसे फिर आपको शब्द नहीं पढ़ने आएगा अच्छे से. इसीलिए केवल आपको क्या पढ़ना है? अ आ. अ आ ई ई. मैम के साथ साथ बोलोगे, आपने जो अक्षर पढ़ लिए हैं अनार स्वर में, ऐसे यहाँ तक स्वर में, वो मैम आपको रिपीट करवा रहे हैं ताकि आप भूलो नहीं. अ आ ई ई ऊ. और फिर आज कौन सा अक्षर लिखने वाले हो? री ऋषि का. री. फिर ए आई ओ औ. ये हो गए और इसे क्या कहते हैं? स्वर. इसे क्या कहेंगे? स्वर. अ आ ई ई ऊ ऊ ऊ. री ए आई ओ औ अं अह. और आज कौन सा अक्षर लिखना है आपको? री ऋषि का. री ऋषि से ईश्वर का ध्यान. री ऋषि से
ईश्वर का ध्यान, री ऋषि से ईश्वर का ध्यान, ये अक्षर आपको आज राइटिंग करना है। कुछ ज़्यादा टफ नहीं, सिंपल है, अभी तो आपको अच्छे से राइटिंग आ गई ना। तो चलो सभी अपनी नोटबुक ओपन करो। मम्मा हेल्प यू फॉर दिस हेडिंग डेट एंड से टू मम्मा, थैंक यू मम्मा, थैंक यू मम्मी, ओके। नाउ पेज द पिक्चर ऑन हियर दी ऋषि, आपकी नोटबुक का एक पेज है और यहाँ पर दी ऋषि की पिक्चर पेश करेंगे। ऋषि का अक्षर लिखेंगे, फिर आपको नीचे डाउन डाउन साइड ऋषि का राइटिंग करना है। और अभी अपन क्या बोलेंगे, केवल री री, क्या बोलोगे आप, री 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 से ऋषि। ऋषि से ईश्वर का ध्यान, ये ऋषि की पिक्चर आपके पास होगी तो पेश कर सकते हो या तो आप ड्रॉ भी कर सकते हो। और ये है ऋषि अक्षर, ऋषि। आप इसे अपन क्या करेंगे, जिस टाइप से डिवाइड कर दिया और ऋषि लिख लिख डॉट लिखेंगे, कैसे देखो ये टू डॉट, ये भी टू डॉट, दो डॉट बिल्कुल दूर दूर और ये दो पास पास, मम्मा प्रिपेयर कर देंगे और फिर आपको लिखना है। तो किस टाइप से राइटिंग वर्क करोगे आप वो आपको देखना है। देखो स्टैंडिंग लाइन, ये जो दूर दूर है उस पर स्टैंडिंग लाइन, और ये जो पास में उस पर स्लैंटिंग, और ये जो ज्वाइन हुआ है यहाँ से और एक स्लैंटिंग लाइन, और स्लैंटिंग लाइन लेके ऊपर से उसको टर्न करके नीचे आ गए और फिर यहाँ सी बना दिया, बन गया ऋषि का। आ गया समझ में कैसा है ऋषि का, देखो टू डॉट बना दिए दूर दूर और ये पास पास, फिर स्टैंडिंग लाइन स्लैंटिंग लाइन और फिर यहाँ से स्लैंटिंग लाइन, और फिर ये जो दोनों स्लैंटिंग लाइन ज्वाइन हुई है वहाँ से एक और स्लैंटिंग लाइन, और फिर उसको ऐसे छोड़ना नहीं, इसको ऐसे घुमा के नीचे और फिर यहाँ लाते से ऐसे सी बना दिया, ये बन गया ऋषि का। कौन सा अक्षर बन गया, ऋषि का। तो मम्मा हेल्प यू फॉर दिस, I do dot here first, draw the dot like this, मम्मा आपको पूरी आपकी नोटबुक इस टाइप से प्रिपेयर कर देंगे, पर आपको ही लिखना है, मम्मा नहीं लिखेंगे, आप कब सीखोगे फिर, इसलिए बेटा आप लोगों को ही लिखना है। मम्मा केवल डॉट्स के लिए हेल्प करेंगे, डेट सी डब्ल्यू, नाउ लाइक दिस नोटबुक प्रिपेयर। डन,
बोलना भी है, केवल आपको लिखना नहीं है, बोलना भी है। री 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 स्टैंडिंग लाइन स्लैंटिंग लाइन स्लैंटिंग लाइन Planting line and turn the turn. Three. So next, planting line, planting line, planting line, planting line. Three. ये वाला जो है आपको planting और इस टाइप से आपको बनाना है. Standing line, slanting line, slanting line, read. The standing line, slanting line, slanting line. Standing line, slanting line, slanting line. Slanting line, then turn. Read. 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 Done. Now you have write down full page. आपको कैसे ये full page लिखना है? आपको फुल पेज लिखना है. अभी कोई भी नोटबुक क्लोज नहीं करना है, किसी को भी कोई भी नोटबुक क्लोज नहीं करोगे. अब इसे रीड करते हैं. री 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 ऋषि री 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 ऋषि का री ऋषि का. ओके डन. रीडिंग आल्सो डन. एंड डोंट क्लोज योर नोटबुक. अभी नोटबुक क्लोज नहीं करोगे बच्चों लोग. अभी मैम आपको और एक वर्क करवाएंगे. अभी आप लोगों ने कहां तक हो गया है आपका? अब अ से अह तक हो गया है और आपने कंटिन्यूअस में सीक्वेंस में अ आ ई ई हो गया है ना. ई तक अभी अपन आज अ से अह तक लिखेंगे. फिर से पूरा कहाँ से अ से अह तक अ से अह तक. या के नोटबुक का पेज बहुत बार लिखोगे जब जाके आपको सीक्वेंस में अच्छे से प्रॉपर आएगा. ऐसा नहीं कि एक बार लिख लिया और हो गया तो नहीं बच्चों. आपको बेटा बार बार लिखना होगा तो ही आएगा.
Now divide like this again each question. 1, 2, 3, 4. Like this. Okay. कितने part हो जाएंगे इसके? 5 part. 5 part पे और इस पे heading लिख देंगे मम्मा. See the print. A saint. A hunter. लिखो. से अहतर लिखो और फिर यहाँ डॉट बनाएंगे. अभी आप डॉट से लिख रहे हो ना, तो अभी से अ आ ई ई उ बनाओ. उ अभी कौन सा सीखा आपने? री री. फिर जैसे मैम कैसे बोल बोल के डॉट लगा रहे थे वैसे ही बोल बोल के लिखोगे. चलो मम्मा ने डॉट लगा दिए, अब आप नोटबुक आप लिखोगे नोटबुक में. तो पहला अक्षर कौन सा आता है? अ. और इसे क्या कहते हैं? स्वर कहेंगे. इनको क्या कहेंगे? स्वर. अ बना दिया. अ कंप्लीट. अब दूसरे पे आ जाइए. आ. कंप्लीट. मैम के साथ साथ लिखो. आ. अब अ आ. अब कौन सा अक्षर आएगा? ई. यस. डबल पेंसिल लाइन दिस लाइन स्टैंडिंग लाइन स्टैंडिंग लाइन कर अगेन कर कम डाउन लाइक दिस. ई अ आ ई. डन. अब नेक्स्ट ई ई. यस वेरी गुड. ई ई. सिर पे. यस ई. अब नेक्स्ट दिख रहा आपको? वो लिखा हुआ दिख रहा? यस दिख रहा. अ आ ई ई उ.
ओखली का कंप्लीट अब औरत का ये बना दिया मैम ने अ फिर आ फिर ओ और फिर इसी में एक लाइन ओखली औरत का ओखली के बाद औ औरत का ओखली के बाद औ औरत का अंगूर का अ बना लिया ऑर्डर फिर तो लगा दी अंगूर का फिर ओके नाउ रीड दिस डन हो गया ना सभी का अब इसे रीड करते हैं भाई अ अ आ इ उ उ रि ए ऐ ओ औ इसी टाइप से बच्चे लोग आप रीड करोगे आपको धीरे धीरे आदत हो जाएगी अ से अनार आ से आम ऐसा नहीं रीड करना है अभी आपको अ आ ई ई उ इसी टाइप से आपको रीडिंग करना है डन हो गया आपका रीडिंग भी अब इसी को आपको क्या करना है यही आपको एच डब्ल्यू भी है ये मतलब सी डब्ल्यू हो गया इसी को आपको होमवर्क में डाउन साइड लिखना है टू टाइम आपको लिखना है यही होमवर्क नोटबुक में वहाँ से यहाँ तक लिखा है उसी के नीचे एच डब्ल्यू डाल के आपको रिपीट करना है सॉरी और सभी ने राइम्स याद कर लिए ना वेरी गुड मोर वाली राइम्स भी हो गई अपनी मुन्ना राजा भी हो गई है मोर वाली भी हो गई है अभी तक आपने जो भी राइम्स याद कर ली है उनके मैम वीडियो भी भेजे आपने तो वेरी गुड सभी को बहुत बहुत बधाई सबने बहुत अच्छे से राइम बोली है और उन्हीं राइम को आपको बार बार याद करते रहना है तो ओके बाय स्टे होम स्टे सेफ स्टे होम स्टे सेफ बाय